नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम उत्तर प्रदेश का, तो रुक करते हैं यूपी की खबर की ओर। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की अपनी एक नई लिस्ट जारी कर दी है। सपा ने 6 और सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं, तो वहीं संभल, बागपत, नोएडा, पीलीभीत, घोसी और मिर्जापुर से सपा ने प्रत्याशी उतारे हैं। संभल में शफीकुर रहमान के पोते जियाउर रहमान बर्क, बागपत से मनोज चौधरी और नोएडा राहुल अवाना, पीलीभीत से भगत सरन गंगवार, तो घोसी से राजीव राय और मिर्जापुर से राजेंद्र सिंह बिंद को टिकट दिया गया है। शफीकुर रहमान बर्क की मौत के बाद उनके पोते को टिकट दिया गया है और उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में समाजवादी पार्टी ने अब तक 44 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। विरोधी दलों के नेता और कार्यकर्ताओं का भाजपा ने आम का सिलसिला लगातार जारी है और आपको बता दें कि केंद्र में से लेकर प्रदेश और जिला स्तर तक विपक्षी दलों के नेता भाजपा की सदस्यता ले रहे हैं। वहीं इसी क्रम में बुंदेलखंड के महोबा में भाजपा कार्यालय पहुंचे अन्य पार्टियों के करीब 200 सैकड़े से अधिक कार्यकर्ता नेता और जनप्रतिनिधियों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। इस दौरान भाजपा के जिला प्रभारी संजीव रंगी ऋषि और ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष चक्रपाणी त्रिपाठी ने शामिल हुए हैं और आपको बता दें कि लोगों ने भाजपा की पटिका और टोपी पहनाकर प्राथमिक सदस्यता दिलाई है। आपको बता दें कि मुख्यालय स्थित भाजपा कार्यालय में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के 211 लोग भाजपा में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और 10 साल के माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्य और 7 साल के माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के जो कार्य हैं, विकास के कार्य हैं, उनसे उत्तर प्रदेश और पूरा देश बहुत आगे बढ़ेगा और इस बार हम 400 पार जाएंगे। एटा जिले की कोतवाली नगर पुलिस ने षड्यंत्र रचकर स्वयं को गोली मारकर रंजिशन झूठे मुकदमे में फंसाने के मामले का सनसनीखेज खुलासा किया है। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड वीडियो के आधार पर पुलिस ने खुलासा करते हुए घटना में प्रकाश में आए 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम के पास से पुलिस ने अवैध तमंचा, कारतूस भी बरामद किए हैं। कोटेदार के यहाँ राशन कार्ड धारकों को राशन लेने में भारी परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि इस समय राशन स्तर पर आदेश जारी हुआ है कि राशन लेते समय ही फिंगर मशीन में लगाना होगा, तभी आपका राशन मशीन से खारिज होगा। इसीलिए यह समस्या आ रही है, जिसको लेकर कार्ड धारक काफी परेशान है और राशन के लिए चक्कर काट रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कोटेदार दुकान छोड़कर फरार हो गए हैं और बताया जा रहा है कि नई मशीन से राशन वितरण में समस्या हो रही है, जिसकी वजह से एक दिन में कोटेदार 50 धारकों को ही राशन वितरण कर पा रहे हैं। हम सकन की प्रधान कलर जो लिखित दियो जाके हुआ तहसील में हाँ। मतलब यहाँ गल्ला नहीं मिलेगा, प्रधान से लिखा तहसील जाओ। अच्छा, बाकी आप लोगों को किसी गल्ला नहीं मिला? अच्छा, कोटेदार का क्या नाम है? जाहिद। ठीक, हर बार ऐसा ही होता है कि पहली बार हुआ? जब से लॉकडाउन खत्म हुआ, जब से ऐसा चल रहा है। आज पूरी काशी नगरी रंग भरी एकादशी की शाम अनूठे रंगोत्सव की साक्षी बनी है। डमरू और नाद और हर हर महादेव के जय घोष के साथ बाबा विश्वनाथ बुधवार की शाम माता गौरी के साथ गौराना कर विश्वनाथ धाम लौटे हैं। वहीं श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पूर्व महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी के टेढ़ी नीम स्थित आवास से तय समय पर बाबा की पालकी उठी। इस दौरान बाबा की एक झलक पाने को भक्त ललियत रहे और चारों ओर हर हर महादेव के जय घोष से पूरा इलाका विद्यमान रहा। वहीं शिव भक्त बाबा की अगवानी में काशी की गोलियों और गुलाल की होली खेली गई। वहीं इसी के साथ भोले की नगरी में होली उत्सव की शुरुआत भी काफी अलग रही है।
आज रंग भरनी एकादशी के पावन पर्व पर काफी उत्साहित होकर श्रद्धालु वृंदावन की परिक्रमा लगा रहे हैं, जो एक दूसरे के ऊपर गुलाल और रंग की वर्षा कर रहे हैं। भक्तजन परिक्रमा लगाकर बड़े ही हर्षित हो रहे हैं और गर्व महसूस कर रहे हैं। आपको बता दें कि रंग भरनी एकादशी को अमल की एकादशी भी कहा जाता है और इस दिन काफी लोग दूर दूर से आकर वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं और होली खेलते हैं। परिक्रमा लगाते हुए राकेश नाम के श्रद्धालु ने बताया कि वो हर साल इसी तरह अपने परिवार के साथ परिक्रमा लगाने के लिए मथुरा आते हैं और बिहारी जी के दर्शन करते हैं। हमें यहां पर परिक्रमा लगाने में काफी अच्छा भी लगता है, राकेश ने बताया, और हम हर साल रंग एकादशी की परिक्रमा लगाने काफी दूर दूर से अन्य लोगों के साथ आते हैं। कन्हैया ते होरी खेलवे को मेरा बड़ा मन है, पर क्या करूं, पलंग बज मारो ना खेलन देखो तो हमारो कन्हैया क्या करो है कि अरे तू छोड़ पलम तू आई गई हो खेल मोते होरी, अरे तू छोड़ पलम तू आई गई हो खेल मोते होरी, अरे सागर मार लगाई हम बरसाले से आए हैं, राधा रानी की सखिया है, प्यारे श्याम चंद्र हमको नौतो भेजो, हमने नौतो स्वीकार किया और सखियों के साथ में हमारी किशोरी जी आई है, हम उनके साथ में सभी सखिया आई है होली खेलने के लिए। देखिए रंगभरनी एकादशी के अवसर पर आज जनपद में विभिन्न जगहों पे अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। श्री धाम वृंदावन में लाखों की संख्या में श्रद्धालु अभी तक परिक्रमा लगा चुके हैं और आगे भी लगा रहे हैं। ठाकुर श्री बांके बिहारी जी मंदिर में अपार दर्शकों का श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है सुबह से, और यहाँ पर श्री कृष्ण जन्म स्थान पर भी होलिकोत्सव आज मनाया जा रहा है। अन्य जगहों पर भी, अन्य मंदिरों में भी भारी संख्या में श्रद्धालु जो कि देश के कोने कोने से और विदेशों से आए हैं, वो होली का आनंद ले रहे हैं और दर्शन पूजन कर रहे हैं। महादेव की काशी में बुधवार को अनोखी होली खेली गई। नरमुंडों की माला और हाथ में चिता की भस्म लेकर शिव की गढ़ों में शमशान पर अनोखी मसान की होली खेली। इस भगवान शिव के लेकर स्वरूप में उनके गढ़ तांत्रिक और किन्नर भी मौजूद रहे। खेले मसाने में होली की धुन पर शिव के गढ़ों में यह अनोखी होली खेली गई। महाशमशान की इस होली में पहले शोभा यात्रा निकाली गई और हल्की बारिश के बीच भी शिव के गढ़ों के महाशमशान में जमकर होली खेली। आपको बता दें कि एक तरह की जलती चिताएं दूसरी तरफ होली की धुन पर हर कोई महाशमशान पर इस अनोखी होली के रंग में रमा दिखा। भस्म और गुलाल उड़ते रहे और पूरा महाशमशान गम को भूल होली की मस्ती में डूब रहा था। भूत प्रेत तांत्रिक देवी देवता भी इस अनोखी होली में साक्षी बने हैं। आंकड़ों के मुताबिक भस्म की होली में 21 क्विंटल से ज्यादा भस्म से होली खेली गई। राजधानी लखनऊ में हुसैराबाद स्थित मोहिनी पूर्णा गैस गोदाम के पास एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात रिटायर्ड डॉक्टर जितेंद्र कुमार इलाज के बहाने महिला मरीजों से अश्लील हरकतें करता है। आपको बता दें कि मरीज के परिवार द्वारा वीडियो बनाया गया जिसमें डॉक्टर महिला मरीज के साथ अश्लीलता करता नजर आ रहा है। वहीं गलत हरकतें करने में फार्मासिस्ट रितेश का भी अहम रोल रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है।
लखनऊ के हुसैनागंज में लोन जमा करने के बाद भी एक बुजुर्ग ने एक बार बार पीड़ित करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि बुजुर्ग ने तहसीलदार और लेखपाल पर आरोप लगाया है, जिसके बाद बुजुर्ग ने हुसैनगंज में घोड़ा अस्पताल के पास पानी की टंकी पर चढ़ गया। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग बोतल में पेट्रोल लेकर पानी की टंकी पर चढ़ा था और मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड भी पहुंची है। मथुरा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आवास के बाहर खड़ी अर्टिगा गाड़ी का शीशा तोड़कर चोरी करने के आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही घायल आरोपियों को इलाज के लिए भर्ती कराया है। आपको बता दें कि आरोपियों के पास से 71,000 रुपए नगद और वाहन बरामद किया गया है और दो बदमाश फरार होने में सफल हो गए हैं। आज एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जो बदमाश हैं, जो हमारे वहाँ सदर बाजार में घटना की थी, ये जो गाड़ी में शीशा तोड़ करके जो अटैची ले करके गए थे, तो जिसमें कुछ पैसा था, उसी के बारे में सूचना मिली थी। जो बदमाश हैं वो आज इधर से माहौन साइड से गोकुल बराज होते हुए घटना के अंजाम देने के लिए आ रहे थे। इस सूचना पर सदर पुलिस ने गाड़ेबंदी की थी, जिसको पुलिस को देखकर उन्होंने पुलिस पर फायर किया, जिस पर पुलिस ने भी जवाबी फायर किया है। तो उसमें जो दो बदमाश को गोली लगी है और दो बदमाश भाग गए हैं, जो घायल हुए हैं उनका नाम सूरज है और एक दूसरे का नाम है विशाल है, दोनों को हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है और दो लोग जो हैं उसमें पकड़े गए हैं, जो थाने भेजे गए हैं। गोरखपुर में पुलिस की लापरवाही का मामला सामने आया है। वही बताया जा रहा है कि पुलिस की हिरासत में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं उस व्यक्ति पर छेड़खानी का आरोप लगाया गया था। साथ ही परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा और नारेबाजी भी की है। आपको बता दें कि परिजनों की तहरीर पर SO चौकी इंचार्ज और 3 पुलिस कर्मियों पर हत्या का केस दर्ज हुआ है। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी COVID-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। हरी कृपा, रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी, फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया, उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है, मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट, बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कॉन्टेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं विकास production.gfx@gmail.com पर।